नमस्कार, सुप्रभात। मैं आपको आज बताने वाली हूँ अम्मट का। अम्मट कैसे बनाते हैं वो सही तरीका आपको बताएंगे। अम्मट बहुत से तरह से बनता है, पर मैं ये नॉर्मल तरीके का बता रही हूँ। आम को लिया और आम को ये पूरे तरह से उसको निकाल लिए हैं रस को। अब मैं इसको ग्राइंडिंग करूँगी। ग्राइंडिंग करने के बाद अब मैं इसका विधि बताऊँगी। देखिए, आगे ग्राइंडिंग करके मैं ये लाई हूँ और उसको मैं इसके ऊपर दे दूँगी धीरे धीरे। जल्दीबाजी के चक्कर मैंने ग्राइंडर में ही कर लिया है। जिनके पास ग्राइंडिंग ना हो हाथ से भी कर सकते हैं। और उसको इस तरह से फैलाएंगे। फैलाने के बाद वो धीरे 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 सूख जाएगी। और सूखने के बाद वो इस तरह करीब 10 रोज करना पड़ेगा ताकि ये मोटा हो जाए। मोटा होने के बाद वो खुद कपड़े से बाहर आ जाएगा और पूरी तरह ये होने के बाद काला हो जाएगा। काला होने के बाद ये अच्छा से हो जाएगा और पीछे से निकल भी जाएगा। इसको जितना धूप लगेगा उतना अच्छा है। देखिएगा, ये बारिश के दिनों जा में पकड़ा ना जाए, नहीं तो फिर इसमें कीड़े लगने का चांस रहता है। घर में रखें तो फैन चला के रखें। फैन चलाने से जल्दी सूखेगा, कीड़ा नहीं आएगा। और हमारे बगीचे में चूँकि आम बहुत है तो क्या करूं, तो उसका उपयोग अच्छा तरह से हो जाएगा। देखिए, ये बहुत ही सुंदर है। गांव में इसको अम्मट के नाम से जानते हैं मिथिलांचल में, और मार्केट में आम पापड़ के नाम से जानते हैं। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के इंतज़ार में कल।